ज्यादातर लोग अब छोटी क्वांटिटी में ही सही लेकिन ऑफिसेज लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा हिस्सा है कर्मचारियों का जो घर से काम कर रहा है, और उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जल्द ही आप अपने केबल टीवी की लाइन पर ब्रॉडबैंड की सेवा भी ले सकते हैं। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिलने वाली है। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के हाथ हैं। असीम, ये देखिए वर्क फ्रॉम होम में कमाल का यहाँ पर पॉलिसी चेंज साबित होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग एक तो केबल टीवी रखते हैं और दूसरा अलग से ब्रॉडबैंड सेवा ले रहे हैं। क्या पॉलिसी चेंज होने वाले और किन कंपनियों के हाथ फिर इसका फायदा लगेगा, ये भी बताइए। जी सही कहा आपने, देखिए COVID-19 के चलते वर्क फ्रॉम होम जो है बढ़ गया है और लोग जो है उसके साथ जो ब्रॉडबैंड है उसकी मांग जो है भी बढ़ गई है, लेकिन देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जो है वो काफी कम है। तो सरकार चाहती है कि देश में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए जो मौजूदा केबल नेटवर्क कंपनियां हैं उनको भी ब्रॉडबैंड की सेवाएं जो है देने की मंजूरी जो है दे दी जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा इशू जो है वो AGR को लेकर के आ रहा था। जो दूरसंचार विभाग था वो चाहता था कि जो केबल टीवी कंपनी है वो जो अभी केबल टीवी सर्विस दे रही है उसके ऊपर भी AGR जो है वो दे, जो केबल टीवी कंपनी है जो है उसके लिए तैयार नहीं थी, तो वो अलग अलग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर थे वो अलग अलग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता था, केबल टीवी की सर्विस अलग होगी, ब्रॉडबैंड की सर्विस अलग होगी, उसके लिए अलग अलग बिल जो है वो जनरेट होगा, अलग अलग मॉडम जो है वो होगा, अलग अलग लाइन जो है वो आएगी। लेकिन अब जो है ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है ये जो अलग अलग सिस्टम है इसको खत्म करने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है वो AGR का मुद्दा जो है सुलझाने जा रहा है। अगली बैठक में डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो है AGR के मुद्दे को सुलझाने को हरी झंडी जो है वो दे सकता है। एक बार ये मुद्दा जो है वो सुलझ जाता है तो जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जो है जारी कर देगा, उसके बाद जो केबल टीवी कंपनियां हैं वो आसानी से एक ही वायर के ऊपर, यानी कि उनको अलग अलग वायर नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही वायर के ऊपर, एक ही ब्रॉडबैंड, एक ही बॉक्स के ऊपर वो केबल टीवी की सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो दोनों दे पाएंगे, एक ही बिल जो है वो चार्ज कर पाएंगे। तो इससे ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बढ़ने में मदद जो है वो मिलेगी। खासतौर पर करीबन 12 करोड़ लोगों के घर में जो है वो केबल टीवी जो है पहुंचता है, तो सरकार इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लीवरेज जो है वो कर पाएगी। तो जो मौजूदा केबल ऑपरेटर है उनको भी फायदा होगा, जो लोकल केबल ऑपरेटर है उनको भी फायदा होगा, खासतौर पर जो कंपनियां इसके अंदर है, हैथवे है, डेन है या फिर सिटी केबल है, ये कंपनियां जो है आसानी से अपनी सर्विसेज जो है छोटे शहरों में भी ब्रॉडबैंड की प्रोवाइड जो कर पाएगी। और आप देखिए इस खबर के बात करते ही हैथवे केबल में पहले 2% की बढ़त थी, अब 3.5% ऊपर हो गया है। डेन नेटवर्क्स जैसे स्टॉक्स जो इस बिजनेस में हैं और कुछ यहाँ पर शहरों में ये प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडबैंड सेवा भी, उसमें भी अच्छी खासी तेजी आ रही है। हैथवे